उसका पत्नी वो जबड़ा जो है ना वो सारा छिल गया है, उसकी जीभ जो है वो यहाँ से नीचे निकल गई है। ऐसे डाल देते रास्ता। अरे 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सांस नहीं आ रही इसको। बड़ा प्राण नहीं गया, एक दो दिन में दो दिन निकल जाएगा। रखा जोड़ पे चला ले लगा दो दो चुक चुक उसकी ताकत नहीं होती है उसको चलने के लिए, ठीक है। फिर उसको पकड़ लेते हैं, तो ऐसे ही इसने वो खाया है आटा और उससे इसका जबड़ा जो है वो सारा खराब हो गया। मैक्सिमम यहाँ तो सुअर पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि वो सुअर पकड़ के क्या करते हैं लोग, खाते हैं। खाते हैं। अच्छा, खाने के लिए पकड़ते हैं। सर जी ये लगाना लीगल है? बॉम्ब जैसा लीगल नहीं, नहीं लीगल, ये तो लीगल नहीं है। अगर फॉरेस्ट वालों को पता चल जाए तो वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने लगाया हो। वैसे जंगली जानवर मारना लीगल है ना, कोई नहीं मार सकता। जिन राक्षसों की वजह से ये गाय मरी उनको सजा हो, उसके लिए कितनी और गायों की आहुति चढ़ेगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे बम से कोई इंसान मरता तब भी तो पुलिस कुछ करती। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मीडिया ने अभी इस मुद्दे को उठाया नहीं है। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए जैसे आपने बक्सवाहा जंगल का वीडियो शेयर किया था, तभी ये मुद्दा एक नेशनल मुद्दा बनेगा और शायद सरकारी मशीनरी हरकत में आएगी। और जैसे वो जंगल तब कटने से बचा था, शायद अब ये गाय भी यहाँ पे मरने से तभी बचेंगी। हड्डी टूटी नहीं है, देखो घसी है शायद, गाय पाया ना घसी है, नहीं चल रहे पता नहीं। चल मनु ऊंचा बच्चा, चल के दिखा दे जो अच्छा आपको लगा दे पाँव नीचे। ये आया है अभी शाहपुर से, उसका पिक ट्रैप लगा था, जिसने फोन किया था उन्होंने पिक ट्रैप तो खोल दिया इसका। मूड ना हो तुम्हें चलना देखो पड़े गए, तीन टाइम पे लेने की वेट नहीं है, वो नहीं आया नहीं है ना। रुको तो भी लिया हुआ है। हाँ, इस पे लिया वेट ठीक है। वुंड्स बने आगे ली टांग पे, वुंड्स थोड़ी डीप है, बोन भी विजिबल है और थोड़ी सी क्रैक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैमरा हुए बस स्पेस नहीं है कोई भी स्प्रिंट करने की या प्लास्टर करने की, क्योंकि उससे फिर वुंड सड़ने का खतरा रहता है, फिर उसको तकलीफ होगी, इससे पहले वुंड्स को हील करना पड़ेगा। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी ब्लू आईज है, पूरे एटीट्यूड में ट्रीटमेंट करा। एम्पुटेशन की जरूरत अभी नहीं लग रही क्योंकि ये वेट ले रहा है, एज भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये अपने आप ही सेल्फ हो सकता है। आज नहीं उठेगा, कल तो जरूर उठेगा। बस अब हमारे अस्पताल की छत का मोटा मोटा काम तो हो गया, कुछ वेंटिलेटर्स हैं जिसे हमने एल्युमिनियम लूवर्स से बंद करना और मच्छर जाली से, ताकि वेंटिलेशन रहे और बाहर से कोई पक्षी या आंधी तूफान से मिट्टी ना आए ज़्यादा। फिर मेसनरी काम भी काफ़ी हद तक हो गया है। इस समय जो हमारा ओटी का फर्श है, ये एक एंटी स्किड जो ईंट है हम उससे बना रहे हैं, ये हो जाता है ख़त्म तो जो छोटा मोटा और फर्श का काम बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज से खिड़कियाँ लगनी चालू हो गई हैं, तो हम हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा हैवी ड्यूरेबल लगा रहे हैं कि भाई ताकि आने वाले दसियों साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के या कम मेंटेनेंस के साथ हम ये जगह चला सकें और हमारा फोकस जो है सिर्फ एनिमल रिकवरी पे रहे। ये जो हमारे स्टरलाइजेशन कैनल्स हैं इसका भी आगे का सेक्शन सारा बन गया है। ये जो कैनल्स हैं हमने अपने बाकी रिकवरी कैनल से दूर रखे हैं ताकि स्टरलाइजेशन के लिए डॉग्स आएँ बिना किसी इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आए, वो यहाँ से सीधा चले जाएँ। अंदर हमारे जो हैं रिकवरी कैनल्स हैं तो उसके हमारे दो विंग्स हैं, यहाँ पे भी बस जाली का लगना बाकी है, उसके बाद ये भी हमारे कैनल्स डन है। डॉगी डोर्स जो हैं उसका हमको डिज़ाइन करना है थोड़ा। हमारे सारे जो कैनल्स हैं ना साउथ फेसिंग हैं और इस तरह हमने बनाया है कि सर्दियों में पूरी धूप डॉग्स को आएगी, जितना उन्हें सनलाइट मिलेगी उतना वो जल्दी रिकवर होंगे। जो रिकवरी कैनल्स हैं दोनों, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, उनमें तो दोनों के आगे ग्राउंड भी है जिसमें ये अपना डॉग्स खेल सकेंगे और खेलेंगे बेहतर महसूस करेंगे, यहाँ से जल्दी
जाएंगे। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि भाई हाँ, अस्पताल से हमारी कैपेसिटी तो डेफिनेटली बिल्ड हो ही रही है, पर जो हमारा एक बड़ा मुद्दा था वो ये था कि भाई जो हम एग्जिस्टिंग चीज कर रहे हैं, जो पीपल फार्म में हमने क्लिनिक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको हम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाए ताकि मेरे जाने के बाद भी ये जगह सालों सालों तक एनिमल्स की हेल्प करती रहे। मैं पिकी को फॉस्टर कर रहा हूँ, इससे बहुत ठंड लगती है तो इसको हमें केज में वार्म करके साथ में रोज चलाता हूँ मैं। जब भी धूप निकलती है तो मैं ट्राई करता हूँ उसके साथ खेलूँ बाहर धूप में। पिकी चलो, कम पिकी, पिकी लेट्स गो पिकी। इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लीज और डैंड्रफ भी था, रेगुलर इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हम इसको भी नहला नहीं सकते बिकॉज ये स्टिल 2 months ओल्ड ही है, वेदर भी बहुत ठंड है। पिकी के पेट से आवाज़ आ रही है, बट पिकी का पेट फुल है। पिकी को अडॉप्ट करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें। पारिया, तो हमारे पास मम्मा आई थी कि 8 पपीज हमने रेस्क्यू किए थे, वो डॉग है। इसको वल्वा पे एक ग्रोथ है जहाँ पे इसका इंसिजन हुआ था सर्जरी के लिए, वहाँ पे भी है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ। अभी हमने उसका इंप्रेशन स्मियर लिया स्लाइड पे, जो भी ट्यूमर या ग्रोथ जो है उसको हम स्टेन करके फिर उसको एग्जामिन करके माइक्रोस्कोप में, उससे हमें जानकारी मिलेगी कि किस टाइप की ग्रोथ है और उसके अकॉर्डिंगली आगे फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। मारिया मारिया सर आगे क्या है? मारिया मारिया बलारो बलारो सेनोरिटा मारिया, सेनोरिटा मारिया, सेनोरिटा मारिया। राजकुमार का लिवर डैमेज था क्योंकि हमें थोड़ी सी येलोइशनेस भी दिख रही थी आईज में। हमने जो उसकी ट्रीटमेंट चलाई थी उसके बाद इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई है। हमने इसका ब्लड टेस्ट लिया था, इसके पैरामीटर्स भी नॉर्मल आ चुके हैं। जो इसकी लेग में फ्रैक्चर था उसको हम ट्रीट कर रहे थे, तो ये थोड़ा बहुत वजन ले भी रहा था, तो बिल्कुल वजन नहीं ले रहा है, उसने टांग लटकाई हुई है, प्लस उसको जख्म भी हो रहे हैं उसमें, इसलिए हमें उसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। वो फ्रैक्चर हील होते होते वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, जिससे मसल उसके एकदम से खराब होने लगे थे, तो बोन भी डैमेज हो रही थी। अगर हम उसको वैसे ही आगे कंटिन्यू करते जो इन्फेक्शन है वो ऊपर फैल सकता था। आफ्टर सर्जरी राजकुमार की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है, उसके सर्जिकल साइड पे ना कोई स्वेलिंग है, ना कोई डिस्चार्ज है, ना कोई पेन है, और वो खुद से चल रहा है, खुद से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा अपने आप पूरा 3 टांगों पे बैलेंस बनाने में, फिर राजकुमार धीरे धीरे कोप अप कर लेगा। राजकुमार को धूप में हमने इसलिए रखा था क्योंकि उसका टेम्परेचर लो था, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखा था, और केजेस के बीच में रखा था ताकि कोई भी गाय या बैल उस पर चढ़ ना जाए। कुकर हमारे पास इसलिए आया था क्योंकि उसके एब्डोमेन पे वायर ट्रैप लगा था, जब वो यहाँ पे आया हमने उसका वायर ट्रैप रिमूव कर दिया और उसके वुंड को अच्छे से ट्रीट कर दिया। प्लस उसको एक और दिक्कत थी, वायर ट्रैप की वजह से उसको नर्व डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पेनिस की स्किन है वो पीछे ही रह रही थी, वो पेनिस को पूरा कवर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए हमने छोटा सा प्रोसीजर किया जिसमें कि हमने पेनिस की स्किन को एब्डोमेन के साथ टक कर दिया, प्लस हमने उसके टिप पे कंस्ट्रक्चर सूचर लगाया जिसकी वजह से पेनिस पूरा बाहर ना आ पाए। इसकी हीलिंग 10 से 14 दिन में कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद जब हमने रिस्पॉन्स देखा तो पेनिस का नर्व डैमेज करेक्ट हो गया था, प्लस पेनिस पूरा बाहर भी नहीं आ रहा था, अगर आ रहा था बाहर तो वो अंदर अपने आप चला भी जा रहा था। इसके दोनों इश्यूज काफी अच्छी तरीके से हील हो गए थे, जिसकी वजह से हमने इसको रिलीज कर दिया। दीदी ये उल्टी की है? हाँ जी। कब? अभी। क्या हुआ इसको? कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर वगैरह वो ठीक ही है इसका। मुन्नू रुक जा। एक सिंह हंसू, ये हंसी है, इसको कल काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, तो कल के ट्रीटमेंट में हमने इसको एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स दे दिए थे। आज इसको थोड़ा डायरिया भी है साथ में, और थोड़ी डिहाइड्रेटेड भी है ये, इसलिए आज हम इसकी फ्लूड थेरेपी कर रहे हैं। इसका स्किन कंडीशन कैसे है अभी? ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, अभी भी ये हीलिंग स्टेज में हील ही कर रही है अभी धीरे धीरे, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा हील होने में पूरा प्रॉपरली ना। बबली प्रीमेच्योर होने के कारण और साथ ही में काफ़ी सारे इन्फेक्शन के कारण जीने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन बबली की माँ के डेथ के बाद जैसे उसका सारा सपोर्ट सिस्टम ही ख़त्म हो गया और अब बबली हमारे साथ नहीं है। उदास जब हमारे पास आया था तब उसके पिछले पैर में काफ़ी गहरा घाव था और वहाँ की हड्डी भी उसकी बुरी तरीके से टूटी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सूजन थी, बहुत पेन था। हमें तभी अंदाज़ा हो गया था कि हम बहुत ज़्यादा तो इसके लिए मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेन मैनेजमेंट हमने पूरा अच्छे से किया और हमने इन्फेक्शन रोकने की भी काफ़ी कोशिश की। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था और अब उदास भी हमारे साथ नहीं है।